कालखा 20 अप्रैल संपूर्ण लॉकडाउन में शराब के ठेके बंद होने पर शहर व गांव में तस्करी बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से आए दिन तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की तस्करी चोरी छिपे हो रही है। देर शाम को भी हतवाला पुलिस चौकी आटा में बिलासपुर रोड पर गश्त के दौरान 29 पेटी देशी शराब सहित 3 युवकों को काबू किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर देर रात को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार हतवाला चौकी इंचार्ज रणबीर सिंह के मुताबिक देर शाम को पुलिस गांव आटा में बिलासपुर रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान मतरोली की तरफ से एक गाड़ी आई जिसे रुकवा कर गाड़ी में सवार युवक इसी दौरान मतरोली की तरफ से एक गाड़ी आई जिसे रुकवा कर गाड़ी में सवार युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम विनोद प्रदीप सुरेंद्र वासी निमरी बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर तीनों से 29 पेटी अवैध रूप से देशी शराब बरामद की गई। कल देर रात भी आपने जो दारू पकड़ी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो पकड़ी है जी गांव आटा से। गांव आटा गश्त के दौरान मुखबिरी मिल गई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक टवेरा गाड़ी में जो है ना कुछ शराब की पेटियां आ रही हैं, तो हमने नाकाबंदी करके तुरंत जो है ना मतलब टवेरा गाड़ी को और 3 शराब तस्करों को पकड़ा है और उनसे 29 पेटी देसी शराब की बरामद करी। तो गिरफ्तार कर लिया सर उन्हें? हाँ, तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। इस तरह की जो है ना मतलब सरकार की हिदायतों के बावजूद भी शराब की तस्करी को करने वालों पर पूरी सख्ताई से जो है पेश आ जा रहा है। किसी प्रकार का कोई इस तरह का अपराध नहीं होने दिया जाएगा। वर्मा पैथोलॉजी लैब एक अलग पहचान, हजारों लोगों के विश्वास के साथ हमारे पास सभी अत्याधुनिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। काठमांडी सेक्टर 14 मार्केट के साथ ही चौहान रावल चंदा बंसल हॉस्पिटल्स में हमारी डिजिटल एक्सरे ईसीजी सुविधा